हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट सागा। आज हम बनाने वाले हैं नो बेक चॉकलेट टार्ट रेसिपी। ओनली इन 5 इंग्रेडिएंट्स यू कैन मेक दिस चॉकलेट टार्ट। ये बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बढ़िया रेसिपी के लिए। टार्ट का बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बिस्किट्स लिए हैं। मैं यहाँ पे ओरियो क्रीम बिस्किट्स इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको इसकी जगह पर कोई और बिस्किट्स का इस्तेमाल करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बिस्किट्स को हमें ग्राइंड करके ले लेना है। अभी ग्राउंडेड बिस्किट्स में हमें 50 ग्राम ऑफ मेल्टेड बटर ऐड करना है। मैंने अपना नॉर्मल सॉल्टेड बटर यहाँ पर इस्तेमाल किया है और इसे मैं अच्छे से फोल्ड करके ले लेना है ताकि ये दोनों भी चीज़ें एक दूसरे में मिल जाए। अभी यहाँ पे हमें बटर इसलिए ऐड करना है ताकि इसमें एक थोड़ा सा बटरी टेस्ट भी आ जाए और एक बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। योर आई एम यूजिंग 8 इंच टार्ट बेस। अभी इस मिक्सचर को हमें ट्रांसफ़र करना है टार्ट बेस में। टार्ट बेस को अभी हमें बिस्किट मिक्सचर से कवर कर लेना है कुछ इस तरीके से, ताकि हमारा जो बिस्किट का बेस है वो एक टार्ट शेप में आ जाए। अभी टार्ट बेस बिस्किट से अच्छे से कवर हो चुका है। इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट में रखना है। जब तक ये रेफ्रिजरेट में सेट हो जाएगा तब तक हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए सबसे पहले हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है। गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1:2 रेशो का इस्तेमाल किया है। मतलब अगर मैं क्रीम को 100 ग्राम लूँगी तो उसके लिए मुझे 200 ग्राम का चॉकलेट इस्तेमाल करना है। चॉकलेट को कैसे मेल्ट करना है एज वेल एज उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने बताई है, इसका डिटेल वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जब चॉकलेट अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तभी हमें इसमें क्रीम ऐड करनी है। चॉकलेट मेल्ट होने के बाद हमें फ्लेम को बंद कर देना है। फ्रेश क्रीम ऐड करते समय ये वर्म होनी चाहिए ताकि ये चॉकलेट में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और कुछ इस तरीके से हमें चॉकलेट एंड क्रीम को भी मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। अभी आप देख सकते हैं क्रीम एंड चॉकलेट अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी इसे भी हमें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखते समय इसे मैं क्लिंग रैप से कवर कर लूँगी। गनाश को सेट होने के लिए टाइम लगता है। मिनिमम हमें इसे 15-20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करना ज़रूरी होता है। अभी 20 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा गनाश भी रेडी हो चुका है एज वेल एज हमारा टार्ट बेस भी रेडी है फ्रेंड्स। अभी गनाश को हमें ट्रांसफ़र कर देना है पाइपिंग बैग में, ताकि टार्ट के ऊपर पाइप करते समय हमें आसानी हो। हाफ गनाश को मैं पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। हाफ गनाश हमें रख देना है व्हिपिंग क्रीम में ऐड करने के लिए। गनाश को पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करते समय हमें गनाश को पाइपिंग बैग के साइड से ही इसके अंदर फील करना है ताकि इसके अंदर एयर बबल क्रिएट ना हो, कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। और जब भी ये फील हो जाए तभी हमें स्क्रेपर से जो गनाश है उसे आगे की तरफ पुश कर देना है ताकि जो भी एयर अगर आगे की साइड में है वो निकल जाएगी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम गनाश को पाइपिंग बैग में फील करते हैं। अभी हमारा टार्ट बेस भी रेडी है फ्रेंड्स। तो अभी टार्ट को हमें मोल्ड से सेपरेट कर देना है कुछ इस तरीके से। अभी हमारा टार्ट डीमोल्ड हो चुका है। अभी गनाश को हमें पूरे टार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। चॉकलेट गनाश टार्ट में ऐड करने के बाद कीप इट असाइड फॉर अ वाइल, और तब तक हम चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम बनाएंगे। सबसे पहले हमें व्हिपिंग क्रीम को बीट कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने 2/3 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है और इसे हमें बीट कर लेना है। मैं यहाँ पे चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम बना रही हूँ।
व्हिपिंग क्रीम अभी अच्छे से बीट हो चुकी है और बाद में जो हमने हाफ गनाश निकाल के रखा था उसे हमें इसमें ऐड कर देना है और इसे भी हमें व्हिपिंग क्रीम के साथ बीट करना है जब तक इसमें स्टिफ पिक्स ना आए। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं हमारा चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। व्हिपिंग क्रीम को भी हमें पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पे मैं रोजेट नोजल का इस्तेमाल कर रही हूँ। पाइपिंग बैग को हमें नोजल की साइज के हिसाब से कट कर लेना है और बाद में हमें इसमें व्हिपिंग क्रीम को ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। अभी हमारा पाइपिंग बैग फ्रोस्टिंग करने के लिए रेडी है। हमारे टार्ट को एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए मैं यहाँ पे चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ही ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में इसे हमें फ्रोस्टिंग के लिए ले लेना है। अभी हमें इसके ऊपर चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम को ऐड करना है और इसे अच्छे तरीके से हमें स्प्रेड कर लेना है पूरे टार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से। और जब व्हिपिंग क्रीम से हमारा टार्ट कवर हो जाए तो अभी हमें इसके ऊपर रोजेट्स को पाइप कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड फ्रेंड्स, हमारा नो बेक चॉकलेट टार्ट केक रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एज वेल एज आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।